हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 11:30 बजे से। और जैसे मैं अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने दही फेस पैक वाला बताया था, तो उसी के साथ ही मैंने आज का ब्लॉग भी शूट किया था, ठीक है, क्योंकि वो अलग हो गया था। एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग भी शुरू कर दिया जाए, और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ब्लॉग शूट नहीं किए हुए, तो उसी के चलते मैंने ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया आज से, है ना। तो पीछे आज आपको मेरी चमकदार हुई वॉल दिख रही होगी, एंड देन इस इधर अभी एक ही वॉल लगा हुआ, ठीक है। एक हफ्ता बीत गया है, अभी तक मेरे हस्बैंड ने मुहूर्त नहीं निकला मतलब कि दूसरे वॉल को हम रिपेयर करें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और आज का ब्लॉग तो पूरा दिन भर का रूटीन ही रहेगा मेरा, है ना। और अभी मुझे फटाफट से अपना मशीन लगाई थी मैंने, तो वो कंप्लीट करना है। देन मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ढेरों फेंके हुए हैं, तो ये भी मुझे मशीन में डालने थे, तो वो डालेंगे। एंड देन लंच रेडी करेंगे, फिर शाम को हमारी किट्टी भी है, तो शाम को चलेंगे हम किट्टी में। पहले फटाफट से अपना काम निपटाते हैं यार। और मटन पापा ने कल उबाल के रख दिया था, और आज देखते हैं उसे छौंका लगाते हैं और उसे मटन को खाते हैं। अगर पापा को कॉल करते हुए पापा बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। और ये देखो मेरे चमकदार शाइनी हेयर के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, यहाँ पे हिट कर देना उसे, है ना, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। और चलिए देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या होता है, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और बाहर इतनी सड़ी धूप हो रही है ना, मैं सनवी को लेने कैसे जाऊँ, ये सोच सोच मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। यहाँ पर मम्मी दूहर को लेके आ गई, क्योंकि इसे डालना है धूप में, और जब से मैं इसे लेके आई थी ना, एक बार मैंने धोया नहीं था इसे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसे धो लूँ, ताकि हो जाता है ना मार्केट में कैसे पड़े रहते हैं। और हमने ऐसी ओनर से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब हमें बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल ईजी पीजी लगा थे। मैंने भर लिया एक पोटला, और ये जाएगा मशीन के अंदर, पूरा पोटला मैंने खिताक भर दिया। तो आजकल मशीन लगाना भी कितना मेहनत का काम हो गया, तो मेरी मशीन चल चुकी है। अभी इसने सर्फ कर दिए, साथ ही साथ ही इसमें कपड़े डालेंगे, पिंग सब फटाफट से डाल। तो फाइनली मेरा पोटला खाली हो चुका है, डाल दी मैंने सारे कपड़े मशीन में, तन तना और इसे वापस यहाँ रख दिए ताकि ये भर जाए वो ना। तो चलिए अब करते हैं लंच की तैयारियाँ। योगा मैट निकाला तो था, पर योगा तो हमेशा रहा, बस निकाल देती हूँ अपना सारा सामान, बस होता मुझसे ये जो मेरे टाइम को सूट करे। तो मटन तो बनाएंगे पापा, ठीक है, उसमें मैं हाथ नहीं डालती, तो मैं बनाती हूँ सिंपल दाल चावल, क्योंकि बहुत 15-20 मिनट बच गए, सामने भी आने वाले स्कूल से, तो फटाफट से दाल चावल भी देते और सीटी मार के पकाते हैं। तो इसमें मैंने दाल रख दी है, ठीक है, तो दाल और चावल मैंने रख दिए भिगोने के लिए। तो जब तक मैं सानवी को लेके आती हूँ तब तक दाल बन जाएगी, और कुकर में तो एक ही सीटी मारने चावलों में वो भी हो जाएंगे। तो चलो मैं उसे फटाफट से लेके आती हूँ पहले। तो यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, और साथ ही मशीन भी हो गई है। एक साथ बहुत सारे काम कर देती हूँ कभी कभी, और साथ ही साथ मैं सानवी को स्कूल से लेके आई, तब तक सब कुछ हो जाता है फटाफट फटाफट से कपड़े बाहर डालते। वही मम्मी कितने थकते हो गए, कपड़े बाहर डालते एंड देन उसके बाद लंच करेंगे। और सानवी तब तक गई है सामने, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स आ गई थी, तो उसके साथ चली गई। मैं तब तक मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ, है ना। यहाँ चली सानवी की सवारी। अरे ये कहाँ तक ले जा रहे हैं इन्हें, सवारी कहाँ जा रही है मैडम जी? हेलो मैडम, ये सवारी कहाँ जा रही है वैसे? बैठना पीछे, तुमने तो अपना स्पाइडरमैन बिठा दी पीछे। हमें घूमी जाना है, बैठो बैठो माने तो दो, पहले कितने रुपए हुए वहाँ जाने के? वहाँ जाने के ओले रखो, बाबू का टेडी बियर डिंप पैथन ले। तो गाइस हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट, और जस्ट मैं अभी सानवी की स्कूल से मदर्स डे के लिए वो आया था, इनविटेशन आया था कि हमें पिंक कुछ भी वेयर करना है, एंड देन पिंक फ्रॉक छोटे बच्चों के लिए। तो उसी को देखते देखते आज मैं अपनी किट्टी को भूल गई थी,
चार बज चुके हैं और 5 बजे पंचुअलिटी है, तो मेरे को फटाफट से मैं सोचिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी सानवी सो रही है तो मैं रेडी हो सकती हूँ, और बाकायदा अगर सानवी उड़ गई तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हो पाऊँगा। तो मुझे आज साड़ी पहननी है तो उसके लिए मुझे टाइम लग जाएगा, पहले फटाफट से रेडी होते हैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको आपका पूरा लुक। फाइनली मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, तो मैंने अपनी जो मीशो से साड़ी मंगाई थी उसी को वेयर किया अपने चोकर के साथ और छोटे से एयरिंग्स के साथ, एंड देन सर पे मैंने छोटा सा ये मुझे कहीं से मिला था उसके साथ, देन पूरा लुक मेरा अलमीरा की थी खुली पड़ी हुई। और ये ब्लाउज भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और वैसे मैंने वहाँ किट्टी वाला बिल्कुल भी वीडियो लिया नहीं था क्योंकि मैं फ़ोन घर पे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि अगर मैं फ़ोन लेके जाती तो सानवी जिद करती कि मुझे फ़ोन दो चलाने के लिए, तो मैं लेके ही नहीं गई थी फ़ोन है ना कल। तो उसके बाद जैसे मैं घर आई, काम भले किसी और ने किया बट थकान मुझे इतनी हो गई थी, जैसे मैंने ही सारा कुछ प्लान किया, मैंने सारे सब्जी खाना सब कुछ मैंने बनाया, और उसके बाद मैं तो घर आके ऐसी पसरी, मतलब वो ही नहीं था कोई लेवल ही नहीं था, ऐसा मेरे को अजीब सा सर दर्द सा अजीब सा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं उससे आगे शूट ही नहीं कर पाई, ना मैंने कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक की, जस्ट नॉर्मली जैसे गई थी वैसे वापस आई, खाना खुना खाया और बस। उसके बाद हमने डिनर भी पापा ने रेडी किया था क्योंकि मटन बनना था तो पापा ने बनाया, एंड देन उसके बाद हम तो उसे मस्त तरीके ऐसे सोई में जैसे घोड़े बैठे, जैसे मेरे को कब से मैं सोई नहीं होंगी ऐसे सोई में है ना। तो चलिए उसके बाद मैंने सोचा कि देखेंगे कल सुबह इसकी एंडिंग करेंगे। और सो गाइस आपको पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।